साला फीका दर पीने आया मेरे पास, साला फीका खाना खाएगा। चलो चलो ठीक है, साला मत छोड़ तेरी माँ की छूट। उधर बैठ जाओ, उधर तो बैठ जाओ, साला फीका दर पीगा मेरे पास ना, तू अब फीका खाना खाएगा। तेरा बाप लोग हूँ मैं, चलो साला बैठो आगे। मोबाइल चुरा लिया किसी ने? हाँ सोया था। अरे ऊपर का है, सबसे ऊपर का है। चलिए फिर एक जर्नी की शुरुआत करने जा रहा हूँ। तो इस समय मैं हूँ कटिहार रेलवे स्टेशन पर और आज मैं जर्नी करने जा रहा हूँ ट्रेन नंबर 14619 त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस, जो कि चलती है अगरतला से और जाती है फिरोजपुर के लिए। ये गाड़ी वीक में एक दिन चलती है गुरुवार को। अगरतला से ये गाड़ी 3:10 में दोपहर को निकलती है और तीसरे दिन शाम को 10:40 पे आपको फिरोजपुर पहुंचाती है। अगरतला से फिरोजपुर जाने के लिए ये गाड़ी लगभग 2900 किलोमीटर की दूरी तय करती है 29 हॉल्ट के साथ लगभग 55 घंटे में। तो अपनी त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस का इनॉग्रल जो हुआ था 31 जुलाई 2016 को हुआ था, तब उसने अपनी पहली सर्विस दी थी और 2016 से 2023 चल रहा है, तो लगभग यही 8 साल हो गया अब इस गाड़ी को। और पहले ये गाड़ी गुवाहाटी से दिल्ली चलाई जा रही थी, अब इसको एक्सटेंड करके अगरतला से और फिरोजपुर के बीच में कर दिया। अगरतला से नई दिल्ली तक इस गाड़ी के जो हॉल्ट्स हैं बहुत कम हैं, लगभग 150-200 किलोमीटर के बाद एक एक हॉल्ट है इसका, और नई दिल्ली के बाद इस गाड़ी के बहुत सारे हॉल्ट हैं। आजकल तो यार ये ट्रेंड ही चल गया है हर स्टेशन के बाहर ट्रेन की कोच में रेस्टोरेंट बनाने का। अभी ये LTT में भी बन गया, हल्दीराम वाले ने ओपन किया है, और फिर मैंने चेन्नई में भी देखा था और यहाँ पे भी कटिहार में भी है। तो अभी अभी जानकी एक्सप्रेस की जर्नी को कवर करके मैं यहाँ पे उतरा हूँ और यहाँ से फिर नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जाना है। तो अब जो गाड़ी है उसके हॉल्ट्स बहुत कम है, इसलिए सोच रहा था कुछ खाने पीने का यहीं से अरेंजमेंट कर लेंगे, कुछ खा लेते हैं और उसके बाद फिर अपन 5:15 का यहाँ पे टाइमिंग है गाड़ी का, कटिहार आने का जो टाइमिंग है उसका 5:15 को यहाँ पे आएगी, तो कुछ खा पी लेते हैं उसके बाद चलते हैं ट्रेन में। यार जो मैंने खाना खाया यार 50 रुपीज़ दिया उसका, लेकिन इतना बकवास था यार, पता नहीं जब तक घर पे जाके खाना नहीं खाएंगे ना तो मज़ा नहीं आएगा। एक्चुअली जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल नहीं रहा। मैं सोच रहा हूँ हमेशा स्टेशन के बाहर निकलता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि मुझे यार मुंबई जैसा एकदम चटपटा एकदम रगड़ा पेटिस वगैरह मिल जाए, या बोल दूँ मेरे गोरखपुर का एकदम चटपटा चाट मिल जाए, वैसा कुछ मिल नहीं रहा। स्टेशन के बाहर घूम निकलता हूँ ढूंढता हूँ तो कुछ मिलता नहीं है यार, मज़ा नहीं आ रहा है। खाना खा के भी पेट का मज़ा मतलब संतुष्टि नहीं मिल रही है, बात है। तो चलिए अपने गाड़ी का इंतजार अभी ख़त्म हुआ, गाड़ी आ रही है 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे आ रहा है, मैंने इंडिकेटर पे देखा, तो चलते हैं 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे। अभी गाड़ी आ रही में लगभग 1 घंटा टाइम बाकी है, तो प्लेटफॉर्म पे चलकर टाइम पास करेंगे। संख्या 1-4-6-1-9 त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस अगरतला से चलकर बरौनी पाटलिपुत्र पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के रास्ते फिरोजपुर को जाने वाली कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 पर आ रही है। ट्रेन नंबर 14619 त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस फ्रॉम अगरतला टू फिरोजपुर वाया बरौनी पाटलिपुत्र पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन इज अराइविंग ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 5। अपनी त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस कटिहार के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे अराइव हो रही है। तो अपनी त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस अपने समय से 20 मिनट डिले होकर अपने कटिहार पहुंची है। तो
अपने समय से 20 मिनट लेट हमारी त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस यहाँ पे आई थी और समय से 25 मिनट डिले होकर हमारी गाड़ी यहाँ से डिपार्ट हो रही है। यार गाड़ियाँ बहुत लेट चल रही हैं यहाँ पे, 5-5 घंटा गाड़ियाँ लेट थी। देखिए फेंकिए, से हमारी गाड़ी कटियार से हमारी गाड़ी का डिपार्चर हुआ है, तो अगला हॉल जो है वो बरौनी होगा और बरौनी के बाद जो रुकेगी तो पाटलिपुत्र रुकेगी। तो 1313 किलोमीटर की दूरी तय करके हमारी त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस स्किप कर रही है खगड़िया जंक्शन को। खगड़िया में 3 प्लेटफॉर्म है और 114 ट्रेन यहाँ पे आके हॉल्ट करती है। 2 ट्रेन यहाँ से ऑरिजिनेट होती है और 2 ट्रेन यहाँ पे आके टर्मिनेट होती है। बाकी खगड़िया जो है रेलवे के हिसाब से सोनपुर डिवीज़न में आता है। अभी हमने खगड़िया जंक्शन को स्किप किया और गाड़ी वहाँ पे रुकी नहीं, बट देखिए इमरजेंसी ब्रेक मार के रोका गया, किसी ने शायद चेन पुलिंग कर दिया गाड़ी का। गार्ड आ रहा है देखो सही करने के लिए। ये आर्मी के वो जवान हैं जो छुट्टी लेकर घर जा रहे हैं और इनके पास कोई भी टिकट नहीं है, ये लोग स्लीपर में हैं और ये लोग 4 जन हैं और 1 जन अलग हैं और 3 जन एक साथ में हैं। ये चारों के चारों पूरे ट्रेन में दारू पीकर, सरेआम दारू पी रहे थे और फिर दारू पीकर आपस में झगड़ गए, यहाँ तक कि ये दोनों 2 ग्रुप था, दोनों ग्रुप में एक दूसरे के साथ थोड़ा बहुत हाथापाई भी हो गई है। ये हमारे देश के रक्षक हैं जो खुद कानून बिगाड़ रहे हैं। अभी ये देखिए 2 बेवड़े एक दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनोगे तो आप सुन पाओगे।
सब सबका सिस्टम से आपका सिस्टम बेटर होगा। अभी हमारी क्या सिस्टम है कि मेरे को जानते नहीं उनको नहीं जानता जैसे यार कृपा होता रोटी नहीं लीजिएगा तो चावल डबल हो जाएगा। नॉन वेज अंडा करी चिकन करी मछली है 150 का, अंडा करी 130, चिकन और मछली 150 का है, अंडा करी 130। ज्यादा तो उधर किसी ने ऑर्डर किया ना, तो मतलब उधर के लिए मैं आपने आवाज लगा दिया। अच्छा, इसके साथ चावल दूं कि रोटी दूं? चावल ही दे दीजिए, चम्मच बीच में है सर। मिनट की देरी के साथ 1368 किलोमीटर की दूरी तय करके हमारी त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस आ गई है बरौनी जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है BJU। 8 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है, जहाँ पे 141 ट्रेन आके रुकती है और 19 ट्रेन यहाँ से ऑरिजिनेट होती है और 18 ट्रेन यहाँ पे आके टर्मिनेट होती है। बाकी अपना बरौनी जो है वो रेलवे के हिसाब से सोनपुर डिवीज़न में आता है, और गाड़ी जो है ये 20 मिनट डिले आई हुई है और हमारी गाड़ी का यहाँ पे 10 मिनट का हॉल्ट है। बाकी गाड़ी को यहाँ पे 8:05 पर आना चाहिए था और गाड़ी यहाँ पे 8:25 को आई है और 10 मिनट लेट आई है। अभी देखते हैं क्या, सॉरी 20 मिनट लेट आई है, 10 मिनट इसका हॉल्ट है, मतलब 30 मिनट लेट हो जाएगी गाड़ी। बाकी खगड़िया और बेगूसराय का स्कीप आपने इंजॉय किया होगा, दोनों ही स्टेशनों को गाड़ी ने 100 की स्पीड में क्रॉस किया। खगड़िया वाला स्कीप जो था वो बहुत ज़बरदस्त था, लेकिन क्या साला ने तो उसका मज़ा ख़राब हो गया। जैसे ही गाड़ी ने स्टेशन छोड़ा और वैसे ही किसी ने चैन पुलिंग कर दी और गाड़ी 110 टच करने जा रही थी, लगभग 110-120 जाती थी गाड़ी, लेकिन किसी ने चैन पुलिंग कर दी, फिर गाड़ी नॉर्मल हो गई और गाड़ी रुकी गई वहाँ पे। बाकी उसके बाद बेगूसराय का भी स्कीप आपने इन्जॉय किया ही होगा, और गाड़ी में और एक इंसिडेंस हो गया है वो भी आपने देखा ही है। अब ये देखिए गाड़ी का माहौल बन रहा है। पहले तो मैं बोलता था, जब जर्नल में ऐसी भीड़ होती थी ना, तब मैं बोलता था गाड़ी का माहौल हो रहा है, लेकिन अब तो स्लीपर में भी गाड़ी का माहौल बनने लगा। कौन सा कर ये सुंदरी एक्सप्रेस है, त्रिपुरा सुंदरी कहाँ तक जाएगी? ये जाएगी फिरोजपुर। सारा ठंड के मारे हाथ कांप रहा है मेरा।
अब गाड़ी यहाँ बरौनी से निकलेगी तो सीधा 10:35 पे सीधा पाटलिपुत्र रुकेगी, इसके बीच कहीं भी नहीं रुकेगी, और वहाँ से निकलेगी तो सीधा दीनदयाल उपाध्याय रुकने वाली है। साले नहीं तो पागल। इसी लोग भी आज तो स्टैंडमैन हो गए हैं। ठीक है, Pandit Deen Dayal Upadhyay Junction, Prayagraj Junction, Kanpur Central, Nayi Delhi, Hisar Express is standing on platform number. तो रात का बज रहा है 1:30 और हमारी त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस 1476 किलोमीटर की दूरी तय कर पहुंची है पाटलिपुत्र जंक्शन। अब पाटलिपुत्र में 5 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है जहां पे 35 ट्रेन आके हॉल्ट करती है और 14 ट्रेनें यहां से ऑरिजिनेट होती है और 14 ट्रेनें यहां पे आके टर्मिनेट होती है। बाकी रेलवे के हिसाब से अपना पाटलिपुत्र जो है वो दानापुर डिवीज़न में आता है। जवाब एक एक करके हम आपको देते हैं। 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती थी, ऐसे में पूरे देश ने उन्हें याद किया, उनकी याद में उनके किस्सों को सुना गया, पढ़ा गया, उनका जिक्र हुआ और दुनिया ने एक बार फिर से एहसास किया कि अटल जी वाकई अटल थी। वाजपेयी जी की जयंती पर देश के प्रधानमंत्री से लेकर लगभग हर आमो खास ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। ये मोदी तो सुबह सवेरे ही सदैव अटल पहुंच गए और पूर्व पीएम को याद कर भावों को व्यक्त कर सके। सोलह किलोमीटर की दूरी तय करके हमारी त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस पहुंची है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। इसका स्टेशन कोड है DDU और इसका पहले का भी नाम सबको पता होगा, मोहल सराय से पहले का नाम था। अब अगर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बात करें तो 8 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है जहाँ पे 316 ट्रेन यहाँ से हॉल्ट करती है और 9 ट्रेन यहाँ से ऑरिजिनेट होती है और 9 ट्रेन यहाँ से टर्मिनेट होती है। बाकी अब मुझे यहाँ से बनारस स्टैंड जाना है तो देखते हैं अगर कैसे जाना, अगर ट्रेन से आता हूँ तो जरूर दिखाऊंगा, नहीं तो फिर जर्नी वहाँ ही एंड करेंगे, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट किलोमीटर में। अब अभी जो गाड़ी है बनारस के लिए वो 2 घंटे बाद है तो 2 घंटा मुझे लगता है वेट करने से अच्छा मैं देखता हूँ बाहर से जाके बाय रोड ही जाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस की जर्नी को वहीं पे ख़त्म करते हैं। होप करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आपको पता है क्या करना है, अब यहाँ उतरा हूँ तो यहाँ से मैं जा रहा हूँ बनारस, तो आगे आप पता अंदाजा लगा लो कि क्या होगा आगे।